హాయ్ యోయో వ్యూవర్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఉండే గంట సింబల్ ను ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. గరుడా ఎక్స్‌ప్రెస్, an international courier service. Kiska hai ye tumko intezaar mein ho na, dekh lo idhar to ek baar mein ho na, khamosh kyun ho, jo bhi kehna hai kaho. तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना. थैंक यू गाइस, थैंक यू. तो अरुण जी, आपको हमारा संदेश मिल गया है. संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. भाई आप अपने घर तो पहुंच गए हैं. 92.7 FM जो अनु मलिक का नया घर बन गया है, इस सेकंड होम आफ्टर इज रिमार्केबल फर्स्ट स्टिंट विद अस विद 92.7 FM, रिमार्केबल शो. वंस अगेन आपकी पुरजोर फरमाइश पे वो आए तो हैं, लेकिन एक बात बताइए, हमने सुना कि आपने कहीं ले जाने के मूड में. आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, अरे गाना बजाना, खाना पीना, गाड़ी में होगा सनम. सो देयर आर 90s का शो, इट्स गोइंग टू बी किक किक और कुछ नहीं बोलूंगा. अच्छा तो भाई, हमारा द 90s शो विद अनु मलिक आने वाला है मंडे टू फ्राइडे. दिस इज गोइंग टू बी अ डेली शो प्रैक्टिकली, रात को 8 से लेकर 10 बजे तक. तो मैंने सुना है कि यानी कि आप लोगों की मतलब रातों की नींद उड़ाने वाले, चुराने वाले. नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने. Everybody come on, sing with me. तूने ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम, तूने तूने ओ दिल में मेरी, अरे दिल में मेरे, अरे रहने वाली कौन है अच्छा भाई, आई वांट टू थैंक यू अनु साहब कि आपके हमारे शो में और 92.7 FM में वापस आने की वजह से जैसी मीडिया में खबर फैल गई कि आपका द 90 शो विद अनु मलिक शुरू होने वाला है, तो आपको पता है कि हमारे रेटिंग्स तो वैसे ही ऊंचे थे, अब ऊंचे से भी ऊंचे हो गए. आपके आने से पहले होना ही था, शो शुरू होने से पहले होना ही था, क्योंकि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, अरे कैसे मैं आऊं, और दिल रजामंद है, ए ऊंची है बिल्डिंग, टारा नारा नारा नारा, लिफ्ट तेरी बंद है, टारा नारा नारा नारा, कैसे मैं आऊं, टारा नारा नारा नारा, और दिल रजामंद है, तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा, कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, और कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, रजामंद हो या नहीं. For the 90s show with Anu Malik, which is going to be starting very, very soon in the new year, along with, of course, our more and more contemporary music, which is in sync with the show. Anu sahab, pehle to ye bataiye ki is show ki sabse khasiyat kya hai, sabse badi khasiyat. Main ye batana chahta hu ki 90s ki specialities kya thi. Okay. Great music, great lyrics, great singers. Aur aisi si baatein jo shayad aapne suni ya shayad nahi bhi suni, wo batane wale hain. We've got so many things to say 90s के बारे में कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और कुछ जो लम्हे मैं जिया हूँ मैं वो बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं जब सिंगर्स के था तो मैं जो गाने सुनाता था, मैं जब गाने रिकॉर्ड करता था, हाँ, हाँ, तो हाँ,
आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आई जवानी सर पे तेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम। अरे किधर आऊं? ओके फाइनली 1998 was a remarkable year for Annu Malik Saab, क्योंकि उस साल उनको एक नहीं दो दो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। ऑफ कोर्स उनको बॉर्डर के लिए तो मिलना ही था, साथ ही साथ उस साल उनको एक और पिक्चर के लिए भी नॉमिनेशन मिला था, और मैं हिंट देता हूँ फिल्म थी अनिल कपूर की। कौन सी थी जिसके लिए उनको नॉमिनेशन मिला? मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में कि जब वो दो फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ था, एक्सपेक्टेड था कि अन्नू मलिक को अवार्ड मिलेगा। सारी दुनिया कह रही थी कि दिस इज योर अवार्ड, बल्कि कैमरा जैसे हम यहाँ कैमरा मैन है, जब बोला एंड द विनर इज, सो कैमरा पीपल हैड कम टू मी बिकॉज दे वर श्योर आई वुड गेट द अवार्ड। ये भी एक नगेट बताना चाहता हूँ, उस वक्त मेरी बेटी का उस वक्त फोन आया था अनमोल का कि डैडी डिड यू गेट इट, और वहाँ अनाउंसमेंट किसी और की आई थी। वो बहुत दिल टूटा भी था, लेकिन अन्नू मलिक किस्मत से नहीं टूटा था। अन्नू मलिक बिलीव्स इन हिमसेल्फ। तालियां। कौन सी वो फिल्म थी? एक तो बॉर्डर ऑफ कोर्स, सेकंड फिल्म कौन सी थी? विरासत। और गाना था ढोल बजने लगा, और मैंने किया था, और वो पायले चुनमुन चुनमुन, ये सब गाने सुपर हिट थे। एक तरफ संदेश से आते हैं, एक तरफ विरासत, एंड तारे तारे है बाराती चांदनी है, मुझको अपना यार बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। ए ए ए ए टन 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 तारा, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12 नहीं 8 से 10। हाँ, 11 वाला शो हमारा, the 90s show with Anu Malik on 92.7 Big FM in the coming year. Okay, last ke 45 seconds mein aapko sochna nahi hai, you have to choose. I'm making it very tough for you, Anu sahab, very tough. Kitna baazigar pura show karwa diya aapne. Acha baazigar ya main hoon? Fat karke you have to choose one of your films ka music. Baazigar ya main hoon? Both, both. Nahi, ek hi choose. Both, especially baazigar, kyunki agar baazigar nahi hoti to main hoon to pahunchta nahi. Refugee ya border? Bahut achi baat hai, taali bajayenge. Kyunki agar baazigar nahi hoti to main hoon to pahunchta nahi. Absolutely. Refugee ya border? Border. Josh ya akele hum akele tum? Josh. फिर तेरी कहानी याद आई या नाजायज? फिर तेरी कहानी याद आई। वाह। जुड़वा या बीवी नंबर वन? हाँ, जुड़वा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी या सोल्जर? दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन आई लाइक सोल्जर। अशोका या विरासत? मोस्ट अंडररेटेड फिल्म एंड स्कोर ऑफ माइन, अशोका। इश्क या मुझे कुछ कहना है? I love Amir Khan, so I would say Ishq. And your last question, your favorite combo with which director and with which two people will always be. One is Abbas Mastan and one is David Dhawan. I've had the greatest time with these people. And heroes. Three of my favorite, nahi nikal sakte wo. Mere DNA mein hai, Shah Rukh, Salman, Amir. Main kya karu? The 90s show with Anu Malik launching very, very soon on 92.7 Big FM. The biggest applause, guys, for Anu Sahab. And we want last one, please, and a cake cutting ceremony. Thank you. Anu Sahab, hamare national programming head, marketing head of 92.7 Big FM. Thank you so much, sir. Hold on, I would also like to call upon Aditya and I show with Anu Malik. And Radhika, please. Are you here? And I'd like to announce, guys, Radhika is here. Radhika, but I want to call my friend. One is Udit,
who's been after me ke aapko hi karna hai this show. It is an outstanding show and he has done so much. And I don't want to forget mentioning my friend Tarun Katyal. The reason is very simple. Churi teacher rakhte hain Tarun ke bare mein baat karne ke liye. Tarun ke bare mein main batana chahta hu. Ek to Tarun has always been with me. Sabse pehla jo Indian Idol aaya tha, it was a brainchild, the madness, the genius called Tarun. And Tarun aur mera ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.